नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज डैशबोर्ड की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं माइलस्टोन चार्ट के बारे में। जी हां, इस तरह की जो माइलस्टोन चार्ट है, इस चार्ट को आप कैसे बनाएंगे, डेट वाइज कैसे इसको आगे सेग्रीगेट करेंगे, या फिर डेट की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्टेप वन इस तरह से भी दे सकता हूँ, और इसको भी स्टेप टू, स्टेप थ्री इस तरह से हो सकता है। तो लेकिन डेट पे थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और मान लीजिए किसी दिन अगर मैंने किसी दिन की डेट की एंट्री नहीं की, तो यहाँ पे उसका ब्लैंक हो जाएगा। तो चलिए इस चीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे किया जाएगा माइलस्टोन चार्ट। तो मैं इसको दूसरे शीट पे दूसरे तरीके से समझाऊंगा, आप देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो चीज रखा, डेट एंड प्रोसेस रखा। मैं इसी को यहाँ पे यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइन करके, एक लाइन दे दिया ऐसे ही। और यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ अगर एक ग्रेटर देन जीरो, अब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो क्यों लगाया, क्योंकि ब्लैंक सेल को ग्रेटर देन जीरो समझता है। तो यहाँ की डेट को शो करे, अदरवाइज ब्लैंक को शो कर दे, और इसको डेट फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब प्रोसेस में मुझे यहाँ पे अगर ब्लैंक हुआ तो एरर लाना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एंड। हमने बोला कि यहाँ अगर डेट, क्योंकि डेट ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे प्रोसेस भी ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो यहाँ पे एनालाइज यहाँ प्रोसेस आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आना चाहिए एन ने। देखिए एन ने लाने का पर्पस क्या है, ब्लैंक हुआ, यहाँ पे ब्लैंक हुआ तो लाइन चार्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा, लाइन चार्ट जो है उसको कंसीडर नहीं करेगा। देखा, इसलिए हमने ब्लैंक एन ने लाने की बात की है यहाँ पे, और हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे नंबर 10 या कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी इसकी इसकी दूरी पे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 10 रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 ही रखता हूँ, लेकिन 10 ऐसे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा कंडीशन इफ का, कि इफ अगर एंड देना पड़ेगा यहाँ पे एंड, हाँ इफ एंड एंड अगर ए ग्रेटर देन जीरो, तो फिर वापस हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला अगर ए लेस देन जीरो है तो नहीं, सही है, इसको ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे 10 दिखे, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक ही कर देता हूँ। लेकिन इसको ऐसे नीचे ड्रैग नहीं करना, इस एक में हमें -10 करना होगा। -10 इसलिए क्योंकि आपने देखा हमारे चार्ट पे कि नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पे एक +10 और एक -10 लिख के फिर नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं इंसर्ट में, और एक ऐसे ही ब्लैंक मार्कर चार्ट, लाइन मार्कर चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको खींच के बड़ा करता हूँ। राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, वन बाय वन हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स देना है। तो ऐड में गया, हमने बोला यहाँ पे डेट, हमने यहाँ पे डेट लिखा, लेकिन सिलेक्ट किया प्रोसेस को, इसका ध्यान रखिएगा, हमने प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, इस 1 2 3 के पे डेट होना चाहिए, तो यहाँ एडिट में गया और इस डेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वापस हमें एक बार और सिलेक्ट डेटा करना है, हमें लाइंस भी तो देना है ना, सिलेक्ट डेटा, और इसमें हमें ऐड करेंगे, तो इसमें हम प्रोसेस लिखेंगे, प्रोसेस, और यहां पे हमें लाइन देना है यहाँ ए, ताकि ऊपर नीचे हो, लेकिन इसकी जो ए है मतलब कि सीरीज में हमें देना है लेबल में प्रोसेस को। एंड मुझे एक बार इसको सेकेंडरी एक्सिस में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि यहाँ पे देखा है डेट आ रहा है, इस डेट नाम आ रहा है, मुझे इस नाम के जगह पे डेट चाहिए, तो मैं इसके लिए सेकेंडरी एक्सिस को यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल में जाऊंगा और सेकेंडरी एक्सिस ला दूंगा।
सेकेंड डिक्शन आने के बाद हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, और फिर हम यहाँ एड एलिमेंट में यहाँ पे आपका आता है एक्सिस। तो आप यहाँ पे देखें वर्टिकल एक्सिस, ये रहा हॉरिजॉन्टल, दिक्कत हो गया। एक बार इसको एक बार इसके बाद हम सिलेक्ट डेटा पे जाते हैं, एक बार सिलेक्ट डेटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत हो गई ना, रिप्लेस हो गया डेट में भी और प्रोसेस में भी। तो डेट वाले पे हम सिलेक्ट करके एडिट करेंगे और इसको डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब आ गया आपका डेट से प्रोसेस पे, प्रोसेस है और डेट पे डेट है, ये चेंज हो जाता है तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस डेट काफ़ी ज़्यादा है तो हमने देखा मैं डेटा में 5-5 दिन का गैप है, तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ इस पे आते हैं एक्सेस लेबल में, और यहाँ पे एक दिन के जगह पे 5 दिन का गैप दे देते हैं, ये 5-5 दिन का गैप हमारा आ गया। उसके बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं चेंज चार्ट टाइप, और इसको हम ये जो स्टैक कॉलम चार्ट होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। काफ़ी पतला दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके एक्सेस लेवल में इसको 26% कर देते हैं। हो गया। अब इसमें अब जैसे ये तो हो गया, बट प्रॉब्लम है कि हमें इस तरह के लाइन को दिखाना है, तो इस तरह के लाइन को दिखाने के लिए हम चार्ट डिजाइन में यहाँ पे चार्ट एलिमेंट होता है, इस चार्ट एलिमेंट में एरर बार्स आते हैं, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज एरर बार्स को ले लिया, तो परसेंटेज एरर बार को ले लिया तो यहाँ पे दिख रहा है एक लाइन आ गया, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इसके इस पे जाइए, तो इसमें माइनस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 5% के जगह पे 100 टाइप करना है, इतने पूरा आपका दिख गया। अब इसमें मुझे डेटा रेंज लेबल भी ऐड करना है, तो ऐड डेटा लेबल, और इस डेटा लेबल को सिलेक्ट किया और हम इसमें बोल रहे हैं लेबल ऑप्शन में कि इसमें वैल्यू नहीं हो, सो हिडर नहीं हो, तो क्या हो, तो ये हो कैटेगरी नेम, और कहाँ हो इनसाइट एंड। जैसे 2003 में क्या था, 2003 या 7 में ऐसा ऑप्शन था कि आउटसाइड भी आ जाता था यहाँ पे इनसाइड सेंटर इनसाइड, इसमें आउटसाइड नहीं है तो आउटसाइड भी आ जाता था। अब यहाँ पे मैनुअली हमें क्योंकि ऑफिस 365 में आउटसाइड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक एक करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो कलर है नो फिल एंड नो लाइन कर देता हूँ, तो ये रहेगा बट दिखेगा नहीं, रहेगा बट दिखेगा नहीं, तो एक एक करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ से एक वन टाइम करना है फिर फिक्स रहेगा। अब इतना आपको अच्छा लगता है इतना रही, और इसको और बेटर करना है तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूं और इस लाइन को नो लाइन कर देता हूं, तो हट गया कलर। इसकी जो गैपिंग है इसको डिलीट कर देता हूं। उसके बाद दूसरा आता है कि इसी जिसका जो मार्कर है तो इसे मार्कर पे क्लिक कीजिए, मार्केट की जो सॉलिड फिल है वो मैं रेड करना चाहता हूँ, और इसकी जो बॉर्डर है वो भी रेड होना चाहिए, और बॉर्डर की साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ा आपका हो जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड टाइप क्या होना चाहिए, डॉट डैश डबल डैश डैश तो नहीं है, फ्लैट चाहिए या स्क्वायर चाहिए या राउंड चाहिए, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसको मैं राउंड के जगह पे स्क्वायर कर देता हूँ, और बाकी चीज़ें भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए ये आपका बन गया। अब इसके चार्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ हम चार्ट एलिमेंट में ऐड चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल है चार्ट टाइटल यहाँ पे, हाँ नन है, और अबव द चार्ट या बिलो द चार्ट, हमने बोला अबव चार्ट चाहिए। अब यहाँ पे चार्ट टाइप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाएगा मेरा।
चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारा माइनस टोन चार्ट बन गया। अब इसमें देखिए क्या क्या है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट लाइन करता हूँ तो इस तरह से ही गड़बड़ हो जाता है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, यह चार्ट की जो एक्सिस है इसमें आना होगा, ये ऑटो है तो इसको आप फिक्स कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक कर दे क्योंकि सेम है ना, इसलिए ऑटो ही आ रहा है। तो मैंने एक कर दिया, रीसेट हो गया, ऑटोमेटिक अब नहीं रहेगा, अपने आप से हिसाब से नहीं चेंज का होगा। डिलीट कहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा कंप्यूटर, इसमें और भी बहुत सुधार किया जा सकता है, बट क्या है कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता, बट उतना लंबा वीडियो आप देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे साथ मेरी पेन ड्राइव को परचेज करना चाहते हैं या आप परचेज करना मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस जो कि हम लोग जूम ऐप के थ्रू लेते हैं, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी तरह का एक्सेल से प्रॉब्लम है तो आप मेरे मोबाइल नंबर को नोट कीजिए और कभी भी मुझे कॉल या व्हाट्सएप या स्काइप कर सकते हैं, मैं आपका फ़ोन का हमेशा इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।